जय हिंद। वेलकम टू विदीत एजुकेशन गाइस। आज हम लोग बात करेंगे मिठीबाई एनएम सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन MINCET के बारे में। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेसेस हो रही है ये एंट्रेंस एग्जाम में, और ये दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके वजह से ये लोग एंट्रेंस ले रहे हैं। ओके, MINCET करके। नाउ मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, वी आर रनिंग द क्रैश कोर्स बैचेस। क्रैश कोर्स बैच 3 भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 17 जून से, एंड इट विल कंप्लीट बाय 27 जून को। हम लोग 10 डेज का क्रैश कोर्स भी कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, अगर आपको ये क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको हमारा क्रैश कोर्स का डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स, और हमारा नंबर भी मिल जाएगा। यू कैन कॉल ऑन 9987338335 फॉर मोर डिटेल अबाउट दी क्रैश कोर्स। एंड गाइस अब डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जाम रहा है, कैसे डिफिकल्टी है, पेपर पैटर्न कैसा है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ने एग्जाम दे दिया है एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर रीटेक। यस्टरडे आई मेड वन वीडियो ऑन रीटेक कि अगर आप रीटेक दे रहे हो तो आप जरूर प्रिपेयर होके दो, बिकॉज अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या प्रिपेयर होके नहीं दे रहे हो, so it is very difficult to get admission in MITHIBAI or NM college. Just let us start with the discussion कि exam में क्या हो रहा है। Okay, first of all, calculator is not given to the students. Okay, जैसे उन्होंने sample paper में बोला था कि calculator दिया जाएगा, but आपको calculator नहीं दे रहे हैं, हाथ में भी आप carry नहीं कर सकते। दूसरा, virtual calculator के ऊपर debate था कि virtual calculator है कि नहीं है, so virtual calculator भी नहीं मिल रहा है। ओके, अगर किसी को मिला है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज वी हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली कि यस सर, कैलकुलेटर इज नॉट बीइंग गिवन। सो इस सिचुएशन में आपको आपका कैलकुलस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से फास्ट करनी पड़ेगी, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दैट। ओके, सेकेंड थिंग इज, अब क्वेश्चन पेपर के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का सिक्वेंस ऐसा था कि क्वांट्स, LR और इंग्लिश, ये उनका सिलेबस था। सो फर्स्ट क्वेश्चंस क्वांट से रहेंगे, LR से रहेंगे और इंग्लिश से रहेंगे। बट अभी एक स्टूडेंट को मेरे मिला पहला क्वेश्चन, शी स्टार्टेड सेक्शन, पहला सेक्शन जो मिला उसको क्वांट्स मिला। सो क्वांट्स वो अटेम्प्ट करने लगी, और आप सेक्शंस के बीच में जंप नहीं कर सकते हो। LR है, इंग्लिश है, ओके, ये दोनों के बीच में जंप नहीं कर सकते हो। यू नीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वांट्स, देन यू नीड टू आंसर LR एंड देन इंग्लिश। एक स्टूडेंट को LR फर्स्ट आया, किसी को इंग्लिश फर्स्ट आ सकता है। ओके, सो आपको सारे 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आंसर करने पड़ेंगे या क्वांट्स के आंसर करने पड़ेंगे या LR के, देन यू कैन शिफ्ट टू अनदर सेक्शन। ओके, बट सी टू इट दैट कि द टिप इज कि आपको अगर क्वांट्स नहीं आ रहा है, ओके, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, क्वेश्चंस को टिक लगाओ और आगे बढ़ो। ओके, सेकेंड थिंग इज, इंग्लिश ईजी है तो सी टू इट कि इंग्लिश सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। एंड थर्ड इज कि क्वेश्चंस आप कोई भी छोड़ो मत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्वेश्चंस लीव किया, एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका बेनिफिट है ये, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन लीव किया तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। सो एटलीस्ट मार्क द क्वेश्चन, ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है, गेस वर्क कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, बट ऑप्शन तो मार्क करो, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उसके लिए आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। बट इफ यू डोंट यू नो मार्क्स, बट अगर आप क्वेश्चंस को टिक ही नहीं कर रहे हो, ऑप्शन फिल नहीं कर रहे हो, तो वो मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग। ये एक हो गया, आंसर ऑल द क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इन द क्रैश कोर्स वी गॉट द फीडबैक ऑल्सो फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट वॉट एवर यू हैव टॉट, इट इज रियली गुड। इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट्स, सैम्पल पेपर्स के सारे सेशंस हमने कराए हैं, डाउट सॉल्विंग, सारे सेशंस, एवरीथिंग, ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस यू कैन वॉच, मॉक टेस्ट यू कैन गिव, ऑल द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रैश कोर्स एंड एग्जाम का रिव्यू क्या था स्टूडेंट्स के थ्रू। जैसे जैसे एग्जाम जाएगा वैसे वैसे मैं आपको एग्जाम के बारे में जानकारी देते रहूँगा। एंड इसके बाद अब मुंबई यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है उसके ऊपर भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।